मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में दोपहर में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 9 गेट खोले पड़े। आज सुबह 5:30 बजे 7 गेट खोले गए थे। डैम में पानी की आवक को देखते हुए 9:30 बजे 2 गेट और खोल दिए गए हैं। अब 9 गेट से 3,949 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम परियोजना के अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि डैम का गवर्निंग लेवल 1158 तक है। इस बार 2 महीने पहले ही गेट खोल दिए गए हैं। बांध का अधिकतम लेवल 1166 फीट है। 31 जुलाई तक 1158 फीट जल स्तर रखा जाता है। डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही निचली बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। राजस्व अधिकारी ने पहले 10 गेट खोले जाने की जानकारी दी थी, बाद में उन्होंने 9 गेट और खोलने की बात कही है। सामान्य से बारिश ज्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इस सीजन में अब तक सामान्य से 16% ज्यादा पानी गिर चुका है। आमतौर पर 10.5 इंच पानी गिरना था, लेकिन 12 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम में जोरदार बारिश होगी। ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड, बुंदेलखंड और महाकौशल में ज्यादा बारिश नहीं है। यहाँ हल्की रिमझिम रहेगी। इससे पहले बुधवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। सावन के पहले दिन सिर्फ छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश 2 इंच हुई है। इसके अलावा बाकी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश रही है। इटारसी से नागपुर रेल रूट पर कीरतगढ़ ताकू के बीच ट्रैक पर पानी आ गया था, जिससे कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया था। गाड़ी संख्या 20806 नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और 12616 नई दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस को इटारसी स्टेशन से डाइवर्ट रूट बाया खंडवा, बडनेरा, वर्धा, बल्लार सा होकर निकाला गया है। दोपहर में पानी निकलने के बाद केसला का अप और डाउन रेलवे ट्रैक चालू किया गया है। पीआरओ सूबेदार सिंह के अनुसार इटारसी बैतूल डाउन ट्रैक से ट्रेनें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकाली जा रही हैं। आमला इटारसी मेमो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तवा डैम का पानी नर्मदा नदी में जाता है। इसकी वजह से होशंगाबाद, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है।